रियासी डिस्ट्रिक्ट 2007 में बना था, तो उस वक़्त जितने भी यहाँ पे ऑफिसेस थे वो सारे जो हैं जिला स्तर के नहीं थे, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनने पर सभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ऑफिसेस थे उनको बोर्ड तो ज़रूर लगा दिया कि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन गया, लेकिन उसके लिए कारस्पॉन्डिंग जो इंक्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा जो था इस अभी तक नहीं हुआ था। तो इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ थी हर कैटेगरीज की, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों या बाकी एस्टेब्लिशमेंट हो, वो सारी जो थी वो बड़ी स्ट्रेस्ड थी और बड़ी हार्ड प्रेस्ड थी। वो किस तरह से काम चला रहे थे ये हम सब जानते हैं। फील्ड से स्टाफ जो है उसको यहाँ पे अटैच करके उन चलाया जा रहा था, डॉक्टर्स पैरामेडिकल का स्टाफ जो है वो अटैच करके यहाँ पे चलाया जा रहा था। तो ये सारी परेशानियाँ आ जा करके किस पे गुजर रही थी, वो बीत रही थी, वो सारी पब्लिक पे जो था वो पब्लिक जो थी वो उसको बड़ी परेशानी आ रही थी। तो गवर्नर महोदय ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, SSC ने पिछले दिनों में जो ये फैसला लिया है, और रियासी डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने देखा कि 35 जो पोस्टें हैं नई क्रिएट की गई हैं, इससे काफ़ी हद तक रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो हॉस्पिटल की जो वर्किंग है और लोगों को इससे काफ़ी राहत मिलने की अपेक्षा है। आप देखिए कि रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो हॉस्पिटल है ये हमारे जम्मू प्रोविंस में 4 हॉस्पिटल्स आए थे, सांबा, रामबन, रियासी और किश्तवाड़। तो रियासी को छोड़कर के बाकी जो तीनों डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे कामकाज बहुत हद तक ठीक रहा है। ब्लड बैंक की भी सहूलियत जो है, सांबा में मैंने देखा कि वहाँ पे ब्लड बैंक की भी सहूलियत है, रियासी में नहीं है। यहाँ पे ब्लड स्टोरेज की एक सहूलियत दी गई है, लेकिन जिससे हमारा काम जो है पेशेंट सफ़र करते हैं नहीं चल रहा था। इसी प्रकार से बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, आज देखिए आपके अभी 35 जो डॉक्टर्स की जो पोस्टिंग आई हैं या स्टाफ, उसमें क्या ब्रेकअप क्या है, उसमें बी ग्रेड कितने हैं, उसमें मेडिकल ऑफिसर कितने हैं, उसमें क्लरिकल स्टाफ कितना है, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ कितना है, वो अभी देखना बाकी है उसमें कितने कितने क्या क्या हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हर कैटेगरी की पोस्ट जो है वो सेंक्शन हुई होगी, जिससे कामकाज में फ़र्क पड़ेगा। और इस वक्त जो एग्जिस्टिंग आप देखिए बड़ी बुरी हालत है, कहां कहां से इतने दूर से लोग यहां पे रियासी हॉस्पिटल में पेशेंट को उठा करके लाते हैं, और यहां पे एक रेफरल पॉइंट बन गया हुआ था, तो इसमें कामकाज में काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा। हमारे पास इस वक्त आर्थोपेडिशियन जो है वो नहीं है, बी ग्रेड आर्थोपेडिशियन हमारे पास नहीं है, बी ग्रेड हमारे पास गायनिकोलॉजिस्ट नहीं है। इसी तरह से एक दो डॉक्टर फिजिशियन वगैरह बी ग्रेड में हैं, जिससे ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है पूरा उन्हीं एक दो डॉक्टर्स पे दारोमदार रखता है। तो डॉक्टर्स भी क्या करें, पैरामेडिकल स्टाफ भी बेचारा क्या करें, वो हार्ड प्रेस्ड है, और हर वक्त इतने दूर से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतना बड़े डिस्ट्रिक्ट को कैटर करना ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम थी हमारे लिए यहाँ पे। तो कुछ राहत इससे मिली है हमें, और इसके अलावा जो बाकी हमारे एंसिलरी डिपार्टमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे PHE का डिपार्टमेंट है वो भी होना बड़ा ज़रूरी है, बिजली का जो एक डिपार्टमेंट है उसके मुलाजिम एक विंग जो उनका वो भी होना ज़रूरी है, मैकेनिकल का जो एक पार्ट रहता है और उनका बहुत यहाँ पे रोल रहता है इसमें, तो वो भी होना यहाँ पे ज़रूरी है। तो इसी तरह से हमारा AMT का स्कूल है, हाँ, हमारे जो वार्ड्स हैं, वार्ड्स में आप देखिए कि OPD में हमारा इस वक्त जो वार्ड का काम है वो चल रहा है, पेशेंट्स को हम वार्ड नहीं दे पा रहे हैं, हम बेडिंग नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हमारे कुछ ब्लॉक्स जो हैं वार्ड्स के लिए तैयार हुए हैं और उनको हैंडओवर ही नहीं कर पा रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हैंडओवर करना चाहती है लेकिन उसको मैन कौन करेगा, उसको चलाएगा कौन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम समझते हैं कि जो 35 पोस्टें आई हैं इससे काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। और मेरी अपील है माननीय जो हमारे गवर्नर महोदय हैं और हमारे एडवाइज़र हैं जिनके पास हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे एक अपील भी है कि रियासी में CT स्कैन हमारे पास नहीं है। CT स्कैन देखिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक हमारा इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। MRI की सुविधा हमारे पास नहीं है, ये तो चलो एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में आ गई। आप देखिए कि हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट में जो एक्सरे मशीन है कितनी पुरानी है, ऑब्सोलीट जो एक हमारे पास यहाँ पे मशीन पड़ी हुई है,
उससे हम एक्सरे कर रहे हैं, फिल्म को धोया जाता है, उसके बाद उसको हम जो हैं डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ी एक चिंता का विषय है। आज आप देखिए कि एक्सरे, जहाँ तक मेरा हुआ कि डिजिटल एक्सरे हमारे पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये चीज़ें होनी बहुत लाजमी है आज के ज़माने में। कैसे उपचार होगा एक पेशेंट की बीमारी का, ये हमारी समझ से परे है। और टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस्ड हमारे पास जो मेडिकेयर के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, डायग्नोस्टिक हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, वो है नहीं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऐसे में। इस तरफ राहत के लिए हम मान सकते हैं इसको, लेकिन अभी बहुत दूर तक जाना बाकी है। और जो जितना भी यहाँ पे स्टाफ है वो मुबारक का हकदार है, क्योंकि जिस हार्ड प्रेस्ड कंडीशंस में वो काम करते हैं, हम देखते हैं पिछले दिनों में एक्सीडेंट्स होते रहे और दिन रात यहाँ पे इन पैरामेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने अपनी सर्विस जो दी हैं वो सराहनीय हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में ये चीज़ें हैं। और हम बहुत जल्दी गवर्नर महोदय से या उनके एडवाइज़र जी से मिलेंगे इस सिलसिले में, और एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के लिए हम डिमांड रखेंगे। तो रेसी डिस्ट्रिक्ट मुबारकबाद का पात्र है, और गवर्नर महोदय और सारी जितनी भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुबारकबाद की पात्र है। हम राजनेताओं का हक तो इसमें देखिए, मैं यहाँ पे किसी के खिलाफ नहीं बोलना चाहता, लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि 4 साल पॉपुलर गवर्नमेंट रही यहाँ पे, 4 साल में बहुत चीज़ें तब्दीली होना ज़रूरी था, उन्हें चाहिए थी, उपेक्षा थी लोगों को, नहीं हुआ। अब जब से गवर्नर महोदय आए हैं तो चीज़ें जो हैं दुरुस्त होने लगी हैं। एक मैं आपको उदाहरण दूँ कि गुलाबगढ़ कहाँ है हमारा, गुलाबगढ़ से पेशेंट और गुलाबगढ़ के इंटीरियर जो इलाके हैं, भमा के जो इंटीरियर इलाके हैं, इधर ठाकराकोट पनासा के जो इंटीरियर इलाके हैं, वहाँ से पेशेंट को चारपाई पे उठा करके एक दिन लग जाता है रोड हेड तक पहुँचने, और वहाँ से उठा करके हम रियासी लाते हैं, और यहाँ पे हमारे पास डिजिटल एक्सरे की सुविधा नहीं है। अब बताइए कि राजनेता, तो चलो मैं नहीं कहता हूँ कि किसी को कि वो गलत बोल रहे होंगे, जो श्रेय लेना चाहता वो ले ले उसके, लेकिन जो ग्राउंड सिचुएशन है, आप ग्राउंड जीरो पे आकर के देखिए कौन इसका हकदार है, क्यों नहीं हुआ 4 साल में। आज अगर गवर्नर होते कर रहे हैं तो मैं कहूँ कि नहीं जी मैंने किया है, तो मेरे समझ में पब्लिक जो है वो सब जानती है। और जो ज़्यादा नाचते हैं कि हमने किया है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी की कंट्रीब्यूशन पिछले 4 साल में इस शोबे में रही होगी। तो बाकी यह है कि अगर गवर्नर साहब करते हैं, हमें कोऑपरेट करना चाहिए, और जो त्रुटियां अभी भी रहती हैं उन त्रुटियों को उनके समक्ष रखना, ये हमारा दायित्व बनता है, और इस दिशा में हम काम करेंगे।